बेकार पकड़ लिया के हो शर्म तार के दराखी तन तो जमाए मेरे फोन को लगाने की के हिम्मत आई तेरी खिंच जा इतनी बंठन के मार दिया ना के कोई भी काम शुभ करने जाओ बीच में टांग अड़ाओगा इंटरव्यू देने जाऊं थी इंटरव्यू देने जा थी हो रहा है इंटरव्यू मैं कमानदार है जब खेत में अरे इतनी चमक चांदनी बन के जा तो सर पर पल्लू भी होया करे सारे काम होया करे बाण काम के कहेगा हाँ स्कूल का मुंह माथा तो कदे देखा को नहीं तने के बेरा के फैशन चीज हो है अमन तेरे डर खेत को नहीं कमाने ठीक है तो और क्या करेगी तू ही बे मनाड़ा ना खेत में माटी गला माटी को नहीं होना ठीक है और मेरे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई छू नुए को नाड़ा तेरे गला खेत में कमाऊंगी तो पढ़ाई लिखाई थी तो पहले कौन सोची कि तेरे घर क्या ने जब तो ब्याह दी मेरा मन कोई न पसंद को नहीं ठीक से ना मर को पहले लागे ना आज लागे तन्ना को ना पसंद है मन तो पसंद है जरूरी थोड़ी है तन्ना पसंद हो वो एक काम मैं करूंगी समझा भी करे कि मैं बात है बाऊ से तू छोरी को नहीं ब्याह यार इसी कर मैं बिक ना रही तेरे जो तू कहेगा वो काम मैं करूंगी देख सर को ऊपर ते जांदी जा है तो तू किसी जीतने कौन दे फालतू बकवास ना कर ठीक अपना काम ते काम रख मैं तो मेरा काम ते काम रखो खेत में काम करना वो खेत में काम करके काम होना वो संभाल लिया हूं इतने संभाल लिया हूं नहीं घर का तू संभालेगी खेत का मैं संभालूंगा मुंह देख के अपना सिस्टम कदे मना तो देख रखा तू देख तू के बन के जा है अनपढ़ गवार किसी का कर ले काम ही लिकड़न देगा लिकड़न देगा अगर तारी थाली लेके आरता तार के फिर जाऊं आरता क्यों तारे तू नु डट जा ना बिना आरता तारे क्यों चला को नहीं नाम कटवा हमारा हां नाम कटवावा है देख डट दियो तो करडा काम करा खे तो करना खराब करेगी जमा नहीं भाभी तो बात करू हूं फोन न भी आड़ा गिर जैसे यो टिंगर कोई बालक ठा ले जाएगा हंडगा फिर टैं टैं करदा मां हां नु बता तने मेरी क्यों खरा माटी करके दराकी से जरूरी था के ये इस ताली बन्नो लेके बैठानी जो पढ़ी लिखी मेरे तपाल तू अरे मैं पहले क्या करता मामा ने और पढ़ लेने देना भाई खेत संभाल तेरा बाबू ने खेत संभाले तू संभाल क्यों मेरे के लिए नारा बैर था कि तेरा अरे बेटा धन घड़ी धन बाग के कमी सब मैं दाऊ सुतरी से हैं और फिर पढ़ा लिखा से तो अच्छी बात से पढ़ दी लिख दी कोनी इंटरव्यू हम जा है सर पे पल्लू नहीं और सिंगर सिंगर के बाला की गेर के लट जड़े तो फैशन में जागी अरे ये इंटरव्यू इंटरव्यू सा ना इनका तय तो या कर नौकरी का जुगाड़ है नौकरी लग गई वा माँ तू क्यों कौन लागी नौकरी है अब इस घर में लागी कौन है नौकरी नू तो भाभी भी पढ़ी लिखी आ रही है वह तो ना लागी अरे उस नाव से के कि मैं नान तो उनका बेरा सा भाभी ने क्या कहा बेरा सा सारा बेरा है उन्होंने बेरा है इज्जत के है वह तो ना अच्छी कौन लागी वह गांव की गांव दूसरी भाभी अरे यह सब शहर की छोरी और शहर के हिसाब से रह से अरे बेटा फिर तेरा आठ भी के लाग सतन तो जमींदारा करना है से या नौकरी लाग जाएगी तो भी बढ़िया काम हो जाएगा हाँ लोग मन खेत में आनी है जानी के कहेंगे बहु की कमाई खा है अरे बावड़ा आजकल तो छोरी खूब नौकरी कर रहे हैं तू देख क्या कितने भी क्या है दफ्तर में वे छोरी किसे और का नौकरी करते हैं माँ मैं तो करवाऊँ कौन ठीक है अरे ना तो फिर कह दी ना अपने घर ना चली जाएगी करी जाएगी नौकरी मन इसी बहू की बनने की जरूरत को नहीं तन्ना जरूरत को नहीं मरना बहुआ की जरूरत है मैं कितने ना काटू तू तेरे काम ता ही काम रख कि मैं बहुआ की जरूरत को नहीं माता ना या तो लगा अच्छी और जो तेरी सेवा करे जो तेरा काम करे सभ्य तरीके तरह है वह लगी तेना बूंदी तब भाभी की मेर ले सक माँ की ले सक लुगाई की ले सक तेरी की मेरे तो समझ में को नहीं आई किसकी मेर लू मैं मेल लेने जोगा से उसकी थम मेर लेने दो को नहीं लुगाई आड़े काम ना करे जा तू कर ले कि मैं धंधा सा वो ये काम लुगाई करया करा मेरे तेरा आड़े तन्ना सर पे बैठाई दिखा मावा वा भी नुई बोल रहा है तेरा काम कर ले और तू भी नुई बोल रहा है मन्ना तो सारे सर पे बैठा रखे हैं तू भी सर पे बैठा रखे है जी पे तो ओड पाड़ दिया सर पे बैठावर ना तो आज मैं कॉलेज में पढ़दा पांदा मैं भी आज इसका आगे बोलन चोका हो जांदा जी तो हांडी जांदा बड़का चप्पल चोर दा जोड़ा भर लेंदा करना मां तने बेरा कोन के 12वीं में फर्स्ट आया था फिर भी तने आगे कोन पढ़न दिया ना भाई खेत संभाल खेती भी ना अपना केस है दाने कटता होंगे हर जा नौकरी लग जांदा तो दाने आप आ जांदे आज तने मेरी खरा माटी करके दरवाई दी बेटा तो तई खेत संभाल ले होगी तेरी नौकरी तू तो लाग लिया गई तेरी उम्र लागण वाली आदमी की कद्दे उम्र कौन सा चाहे 80 साल का होकर लाग जाओ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए उसमें गुण होने चाहिए वे तो थमने मेरे में छोड़े को नहीं 80 का हो जाए जी बता दिए लगवा दूंगी काम कर ले जा 80 का होगा जी तू पा जाएगी मैंने क्यों माता ने शर्म तार दी शर्म तारा ना काम करता रोए बहुत से रात ना पानी लगा दिया जोर आओ से काम तो करना पड़ेगा सुने जी सुनो एक बात तो सर की आप ही विनो की लाग रही हां और संदीप विनो की लाग के मैंने तो ठीक हो जाएगा जरा पढ़े लिखे तो गणा इसे आप ही नहीं थम नौकरी लाग रहे हो मैं तो बस सारा सारा लगा दी हूँ यार इतना है इतना सारा लगा है बस बहुत बना हो जाए मैं नौकरी मतलब तय गणी करा मेरे तो फालतू ये सारा मत हो ये बेरा था मैं के? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ थम भी पढ़ रहे हो सुनीता भी पढ़ी लिखी आ रही है संदीप ही सा है
जो खेत के चक्कर हम थरे घर के ना पढ़ाई में कौन सियाणी जब वो छोरा पढ़ लिया तो कामयाब हो जा काया कितनी अच्छी है देख देखो लंबा टकटा उन्हें तो फौज में बाज के नौकरी मिला मिल गई थी नौकरी तो पर घर का काम दाम में कि मैं तो नौकरी पर था हर फिर माँ ने माँ बोली कि भाई एक छोरा तो लग रहा सर नौकरी हर तब भी नौकरी से रह जाएगा मेरा कौन सा नूसा वास है माँ तो क्या का किन्ने को नहीं होता ठीक सर सबकी नौकरी का खेत केयर का के है छह महीना में फसल होगी भरोसा थोड़ी हो है जितनी पूंजी लगा वहाँ हाँ पान दुगुनी मिलेगी या ना मिलेगी क्योंकि 90% किसान हमेशा टोटम रहे हैं टोटम तो रहे पर आपने किले गणे हैं इस मारी इस चक्कर में माने उड़े रख लिए थे या गलती है ना अगर माने संदीप पर खेती करवानी थी तो बहु भी कम पढ़ी लिखी लेनी थी ना इमानु सोचा है कि सुनीता नौकरी करा है और सुनीता फैशन गार इतनी है वह संदीप ने की मैं ना समझ दी और जो ये नौकरी चाकरी करार ना तो इसकी इज्जत करार आगे पाछे फिर जा इसका यानी वह खुद उगाई की खुद की समझ है आज तेरे में खुद की समझ से देखते हैं मेरे गली ला के मेरा काम करवा दे है ठीक हालांकि तू तो नौकरी ना कर दी मैं नौकरी करूँ पर तेरे में समझ तो है समझ उसमें ही होनी चाहिए हालांकि वो नौकरी नहीं करता के बात होगी पर न पढ़िया लिखा तो है अरे प्लस टू कर रखी से और आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सका वो भी गेड़ी बना तो दी बढ़िया पर थोड़ी भार देखी जाइए महारानी मार के इस तरह गई है जो तो मेरा ना फैशन शो मजा है पर नूली इंटरव्यू देने जाऊं या देख लो मेरी जिंदगी अरे भाभी इतनी पढ़ रही उस तो फालतू ही पढ़ रही है भाभी तो कदे गई ने हर सिर पर पल्ला रखे सदा और वह गेर के कंधा पल्ला इस तरह चाल पड़ी जन के जो इज्जत को नहीं देवर माँ तो शुरू में नाटे थे हमी दोनों ना मानी तो के करा हरी वजह से आगे उसी भोखनी पड़ेगी वहां ना बदलती तो तुम बदल के देख लियो सारे काम करके देख लिए वह तनु खतन तनु खराब होना कि लिया मैं हर कि माँ को नहीं बदलने दें दी माँ ने तो सर पर बैठाई है मन ने भी कही माँ इसी पढ़ी लिखेगा के काम नूले देख ले तो बढ़िया रस है बढ़िया पढ़ने लागे रही और भी आगे लिख ली माँ ने सर पर चढ़ा दी सुन नूले तन तोड़े खेता मरना है माँ ने सर पर चढ़ा दी ठीक से चला लेने दे तो एक काम कर स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ले ले दोबारा और पढ़ना ही चल पढ़ाई चालू कर दे तेरी पढ़ाई तो बुड्ढी थोड़ी हो है पढ़निया बुड्ढा कह दी मैंने माँ ये बात कही थी माँ नूली गेहूँ कटता हूँ खेत में काम कर ले सुन जी हमारी बात इसी है संडे की छुट्टी मेरी भी हो है हर तेरी भी होगी बच्चा आगे जा चल के ना और पढ़ाई करेगा तो 3 बजे बच्चा तू घर नहीं आएगा फिर संभाल दिए अरे सुन अरे माता सारी तो दे देंगे यार कि मैं भरोसा कि मैं जरूरत को ना अरे माता हरी हरी बात से क्यों बताऊंगे माता कह देंगे खेत में जा है अपने बूंदे पर कपड़े पैर के जाइए और खेत में जाके पैर के पाए पाप पार जाइए भाई बात तो तेरी ठीक से अरे भाभी पढ़ाई की कोई कोनी उम्र होंगी चाहे कदे पढ़ ले पर तड़कन बेरा पाट गया तो एक कलियारी है ना जान तो मार दवा देगी मैंने हर गली माँ बावला बात नहीं मरवाओगी कोई होंदा वह थोड़ी फैशनेबल है हाँ। बस रहने का तौर तरीका अलग है उसका माँ तो ना डर है ठीक से माँ ना मना लेंगे कुकरी कुकर करके मैं तो भाई इब्नू चाहूँ मैं तो यह खेती कर लूंगा और वह सुधर जाए बस मैं तो जो खेती में कर लो के करूंगा इब पढ़ने का टाइम पढ़िया को नहीं उसके घर के ना सुधार सकते ना हम सुधार सकते उसने तो थमे सुधार सको हो भाभी उसका मारूं उन्हें पिटूं जीभ सुधरेगी लुगाई पर अठा लिया भीत पर भीत का मार दिया तो देवर मार पर तो यही ऑप्शन है हम तो थारी पढ़ाई शुरू करवा सका जिसके सारा थम ना आगे चल के नौकरी भी मिल जाएगी और थार पर सुनीता या कोई और आंगली भी कौन ठाऊगा आके एक भाई पढ़ा दिया अरे एक में इतना भेद मैं भी यही बात चाहूँ कि मैं पढ़ लूँ नौकरी लग जाएगा मेरे में इतनी काबिलियत है पर कोनी माँ का तो मैंने करोड़ा काम लग गया माँ ने मेरा घर खराब कर रखा है ना तो वह के बाद फालतू बोल जाए मेरा घर कोई बात नहीं तो नौकर जा खेत में जा क्या हो माम कराए मात बात जाके ठीक से भाई ये या फिर भी मेरा रुको यहाँ बनाएगी माई हाँ बेटा ते भी क्यों संग करवा लग रही माँ क्या के संग करवा दिए बेटा संगे भरे से माँ एक बात बता संदीप वाली बहू का इन्हें नट जा कदे इंटरव्यू ले देने जा कदे कि मैं करे से संदीप की खराब माटी है बेचारेगी बेटा तन बेरा को नहीं वह 4 दिन की चांदनी वाली हो रही है उसमें तो शहर की से ये सोच ले कर लेगी हाँ डे होगी वो 5-7 इंटरव्यू एंट्रू दे दिया कि धक्के खा के अपन बैठ जाएगी ठिकाना सर नाट्य पास घनी जिद्दी और करेगी माँ तेरी इतनी दाब से घर में तो एक बार नू कह देना तन उ बैठना है तो उठे बैठे रहा बालक और फिर तो उसने इजाजत देना रही है तो इजाजत देना है तो संदीप की पढ़ाई की दे माता है मेरी बात सुन बेटा मेरी चाल से मैं मानू सुन
और मदाब भी दे दूँ। मदाब दे दूंगी ना दे दूंगी कोई फायदा तो कोई नहीं, मदाब दूंगी वह नहरी चिंगरेगी मुँह ना बंगा करेगी टिंगा करेगी, पाँच सात बार हाँ डे उसे भाड़े लग गएंगे अपने, अच्छा अपन टिक जाएगी वही गोबरवारी करेगी अपना घर का काम करेगी। रही बात ही साली संदीप वाली, भाई घनी कोशिश करी थी मैंने पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मेरा अगर तो कह देता हाँ माँ पढ़ूँ सू भाई जब पढ़नी बालक होता ना तो बेटा पढ़ की भी दिखावर लाग की भी दिखावर, मन ना तो खुशी हो सो बेटे नौकरी लागत तो। लागत तो खुशी तो है, उस टाइम में बाबू मरिया पास ने खेत उस तो पकड़ा दिए भाई तू संभाल खेता ने पढ़ा रो अगला कहीं भी मेरे तक कहना है भाई पढ़ तो माँ माँ कटने लग है माँ नुगा खेत संभाल भाई तें माँ खेत ने संभाले नहीं पास में तेरा बाबू जी था जब खेतान संभाला करता है और जब तेरा बाबू मर गया ना मैं कति इसी भी चढ़ गई थी बस मन नू लग गया कदे खेता खराब माटी हो जाए ना मैं संदीप ने खेता में लगा दी तू। हाँ कदे तो उसने कदे कह दें पढ़ ले भाई कदे खेता लगा दें तेने माँ भी चाल के रखे वो तो माँ भी चलिया रहा है ये भी इस बावला 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 बात बात करीजा है कदे माँ तो डर लाग है कदे बहुत डर लाग है ये बात करे माँ बता। बेटा तू भाई से और भाई सारा मन की बात पूछ लिया करे उस गली बतला ले वो जो कर राजी से उस तरह कर ले तुम दोनों भाई मत अमी ना किसे डाल के रोक टोक ना कर दी। माँ रोक टोक तो ना कर दी थे पर मतलब खाली पढ़ाई की कहूँ तेने फिलहाल तो देख पढ़ाई की तो हाँ कह दियो तो मैं उन्हें एडमिशन करवा दूंगा तो तेरे का नौकरी लग जाए तो अच्छा उसके बाग जाग जाएंगे चढ़ गए। मैं पढ़ाने से ना नाट दी पर तन बेरा से अरे ताऊ चाची किसी से उस खेता पर सर पर कब्जे करके बैठ जाएंगे हैं और अपना कौन बड़ा छोटा सा जो उनकी टक्कर ले लेगा खेत संभाले बहुत जरूरी से। माँ तभी नट भी कोनी ना कदे तो ना भरी खाली खेती के चक्कर में उस जिंदगी खराब हो जाएगी हमेशा तेन कह दे भाई तुम देख लो हर पास कह दे भाई तू बन जाएगी। तेरा बाबू जी वो था ना जब तो नारी ठाड थी डरिया करती थारे काके ताऊ अरीब सन वो या वाट देख स आखि ये आना जाना बंद कर दी इस सरका सरका बाड़ना पड़ ले किलिया में करके न और कर लेंगे थोड़ी थोड़ी जगह न रोज काबू फिर बैठे रही हो तुम काबू तो करे ले हैं ये तो सदा के काम से कल संदीप का था मुझे जेड़ी ले कर बनवाई भाई नहीं माँ बावला जेड़ी तो दर्दे मैं जेड़े जड़ा का काम को नहीं आया करे पहनी बनवा के लिया बावला कदे बात कर दे गाइडर लग बाट देखा से कच्ची लड़ाई कर हमारे गली ठीक से माँ टल कर दे पढ़ाई के फिर देख लेगा अगर कदे मौका लगा तो ठीक से। देख कितनी देर होगी फोन चला दी उसको भाभी बर्तन मारने लग रही है रिया महारानी बैठी से खड़ी हो काम करवाई ली सर पर बैठा लिया इसने इसने तो बेइज्जती करवा रखी इस घर की जमा शरम तार के दर्दी आज इसका वह तोड़ करना के हो शरम तार के दरा खींचन तो जमाए मेरा फोन लगाने की क्या हिम्मत होगी तेरी है तेरी इतनी हिम्मत होगी मेरा फोन खोस लेगा तू तेरा खानदान में देखा क्यों बड़ा फोन है एक फोन क्या चीज हो है गणे देखे से ठीक है गणितम होने तो खोसा था हमारे आपस की लड़ाई है तो बीच में मत बोला ठीक से भाभी आगे मुंह ना चलाओ ठीक से बड़ी हवा तेरे तू तो बोल रहे ना तू तो बोल रहे ना इसकी बात से धनी है वो तेरा भलाई कम पड़ रहा है नौकर कोनी तने मुंह पर बढ़ दे ही मार दिया जब उल्टा मार देगा ना 10 बार सांस लेगी इसकी तो नहीं मत है यो मेरा थप्पड़ मार देगा इसने कच्चा नहीं खा जा लुगाईया बात नहीं ठाया करे मारा बाप ने यहाँ सदा यहाँ सिखाई थी तेरी जुबान ना लड़ा अपनी औकात में रह ठीक है तू रह अपनी औकात में ब्याह ले रखी तू आई बात समझ में तू बीच में क्यों बोलने लग रही तू अपना काम कर ले बोलने की बड़ी होते हैं मन्ना कमीज है ठीक है घर आओगे हम भी पढ़ के आ रहे हैं साथ में नीचे कर ले और अपना काम कर ले ठीक है तू बीच में नहीं आ जाएगी मार दोनों का बीच में जम की मैं कर दे इज्जत चाहिए ना तो इज्जत करनी सीख ले इसने सही इज्जत है इसने क्या करा है तेरा फोन ने तो खोसा था क्या खतरा और बात भी साची धनी तेरा खेत कमा के ने चा पानी की बूझी इस फोन में क्या गारी लिकड़क बाठे लिकड़क यो खेत के कमान का है क्या कर गए फोन धुना थे यो जेद भरे ने टिकड़ खा खा कन यो अभी उस खेत में जाए से आओ नाज ठीक घरा बैठेगा नाज भी ना उतरे अच्छा ई तू बता के मैं खेत कमाऊं जाके ने तन्ने कौन कह मेरा मां बाप ने नोई ना पढ़ाई लिखाई एक मैं खेत में काम करूंगी आई बात समझ में सीधी ले जा तेरे तो बस अमित नहीं को वहां तेरी जिंदगी है जो कर रहना रह कम तक मौका धनी ने तो रहन लग रही रहन तो ना दें देता हम दोनों जो है सर पर बैठे आराम तो बोल ले थोड़ी सी ठीक है घर का तो काम करवा सके है तू तो महारानी खाट पर बैठी और बड़ी भाभी वो बर्तन मान दिया अंडे मन काम करने की तो अड़पट जगह के तेरा पट जगह के तू हाथ थुआ लेगी
बस बच रही है। देगा तू। बैठा देगा तू ना करे काम अपना लोग ने इज्जत दे ले दूसरे का गजात ना पिटे बेशक मैं बावज हूँ कल नन्हे साथ जो अंदर डोलेंगे थारी थू थू होगी अब बावजा का अगर तू मुंह पर थप्पड़ मार दे कौन इज्जत कर लेगा तेरी दे लिया बासन यो इतनी दही तोड़न पा गया तन लुकड़ा दे लिया बासन दे लिया बासन हो गया ना बर्तन मांज लीप जा के जा देख मन तेरे लग तेरा कौन सुनने तू नीता बाल खिंडाया तर नखून बढ़ाया तो तू सेंसिबल और पढ़ी लिखी को नहीं हो जाएगी समझ तू मन सिखाओगी के रिस्पेक्ट होनी चाहिए बेबे मन ने इज्जत ना दे उसने इज्जत दे दे उसके ब्याह यार ये जिंदगी उसके गला काटनी है मारा तो के है कल नन्हे होके बैठ जावांगे जब धनी साथ नहीं देगा ना जिद क्या है की आजादी कौन तने समझ गई तेरी वजह तो सुनान लग रही है नीतरी मत इसकी जो मेरे तक कह जाया या तो गणित तो क्या है तुका यही तेरा दर्द है ना मेरा वह शांति थी अच्छा। क्योंकि मेरे पता तो उठदा कौन पे तू इनु चाव है के आके ब्राह्मणी मेरे ऊपर आठावे मैं तो चाहूं नु सु तने सुधारे सुधारे इतने बड़े इस घर में कोई कौन पैदा हो रहा है जो मेरे ऊपर आठा देगा ठीक है सोच भी ना चल जाइए कदे तू बंदा हो छाना रात तो लगा देता ना इतना लगा देगा साथ अर्जुन के बात बेटा क्यों कर छो समोरी बात होवे थी माँ ना तो मैं कदे सुनीता ने घर का काम की कहती ठीक है छोटी है पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ मैं तो कदे रोब गुंजाड़ती इस बात का कि मैं पढ़ी लिखी हूँ मैं नौकरी करूंगी या मैं अपना धनी का थप्पड़ मार दूंगी धनी का थप्पड़ मार दूंगी वो मैं बर्तन मांजन लाग रही देवर बैठा उसकी बाट देखा रोटी गाल दे गाल दे गाल दे फोन के चिपट रही उन्हें खड़े होके फोन ने खोजा था उसको मुंह पर मारा थप्पड़ और जी मन कहीं जी मेरे तीनों कही बोला मार बीच में बोलो उनकी जरूरत को नहीं माँ गणना के धनी पिटेगी वो आपका तो के देखा जा है बोला तो जाएगा संदीप का मारे उसने संदीप पे होगा उसका धनी करड़ा काम करा के ऋषि तो जिंदगी बर्बाद कर दी जब तू पढ़ लंडार ना उसने तो आज इस बरगी के थप्पड़ कौन खाने पड़ा हे बेटी गलती तो मन ने कर दी या पढ़ी लिखी लिया के ना कंपनी लिखी लिया दी छोरा ना पढ़ रहा था तो मेरे माथा में की फूट गई थी बार का जी कोई आ जाए जिद्या चाह पानी देवे तो इसके न खून टूट जाए है इसके हत्या में मोच आ जाए है नया घर का काम करती माँ की इसका चार गिरण ने लियाई थी किसका थोपड़ा देके इन्हें पूजी जावा नू लियाई थी पढ़ी लिखी तो दुनिया की छोरी के काम धंधे कौन कर दी ए बेटी बहू बेटी तो घर में काम कर दिए सुतरी ला गया करस है और ये कौन से लखन से कौन वीर अपना मर्द बाठाओ से ना आमी भी आए थे जित हमने एक बात कही थी बोले बेटी सिर धो के कदे रसोई में ना बढ़ियो बाल पड़ जाएंगे रोटियां में इस तो हम कदे नहीं ना कहें देख चिमटी ला ले बिट्टी वाला में ए बेटी मुंह माथे तो सारे फुक्कू छू या तो अपनी जान में के बेरा के मां मालनी बनी रस है तरस तो छोरा देख देख के आवे है उन्हें ना ना दो दिन हो गए सड़ा वो कोट ने धोंदी कोना मां बुझूंगी सुने इसी के बन गई वा थोड़ी चाह की बूट बना दे बेटा तू चाह बनाऊं जाकर ना और उन्हें संभाली रैपटा लाग रहे इसको मुंह पर सत्यानाशन बता जम्मा आए गए घर की से ए आज के पड़ा चाहते ना के बन गई तू इस घर में मन ने के कर दिया तबन के रही से ना मन ने के कर दिया मेर लिया पागी ना त्रे झुंड पाड़ के धर दूंगी समझ गई हमारी पर तो नीचे करे ठीक से कर रहा किसे नीचे घनी बड्डी बन की जरूरत ना आ रहा मैं तो बड्डी छू और बता कि मैं बड्डी को नहीं आड़ा रहना से ना तो औकात में रहेगी जो कर मेरे बड़ी वो काम करे से अच्छा तू सिखाओगे मन औकात में क्यों कर रहना और तेरा बाप सिखाएगा ये बोल लड़की दूर सुना सर तेरा बुड्ढा गया ना क्यों बुढ़ापे में आटड़ुआ तू ना की मां कौन तोड़ेगी अरे डन क्यों वालेगी सत्या ना क्या कौन जाता तेरे पता मेरे पे भी आठा होगी तेरे एक मिनट में मर मर के अड़ो थेर तेरी मुंडी रगड़ दूंगी धरती में कदे ना रगड़े तू अपनी औकात मत भूल देखे या मना होगा सिखाओगी सत्यानाशन है माँ ये क्या पत्थर की दाली से इन बार रबड़ का लिया करे बुढ़ी तो तू तब नीचे बोल रही है इतनी बोल लग रही है तूने तो बेकार पकड़ लिया मेरा पार्ट क्या सुनी खानदान की सगीरे उड़ा की मैंने बता दी मेरी माँ का जात भी कर दिया तो तम भी दोनों जड़े आड़े रही हो ठीक है इस घर में मैंने रहना है कोनी जिस घर में आज लुगाई की इज्जत को ना चल जा लुगाई को ना इज्जत लुगाई क्यों आकर है और लेकर जा लेकर जा तू तो रहने दे ठीक है फालतू ना बोल जन्ना रुकना मन ना रुकना है कोना ठीक है बोल कि तुम इतना सारी मां बेटा ने तू लेकर है भीतर कर बड़ा सा भीतर ना कर चली पकड़ की त्री मुंडी डोली मारूंगी मां हो गया नहीं ठीक और ठोकर ला कर तेरे जिबेरा पटर तने के होसे अरे मन्ना के बेरा सत्यानाशन ला टूर खिंडा याडा नी बाबा जी की हाल दया हां मन्ना रहना है कोनी सारा कुड़वा पागल होता मैं पागला में रहना पसंद ना कर दी लकड़ जकड़े तावल करे रिपट जावरते है हां रिपट की गई बस हां रुक जा पागल होली वा उना तड़वा दे ठीक रहेगी अरे बेटा इस तरह के डटिया कर से अपन लकड़ जा गया ना बहु पढ़े है बहु नौकरी लागेगी तू तो खेत कमाओगा
मैं तो कितने जगह छोड़ को नहीं, पहले पटाया को नहीं, ईबीसी बनो लेके दर दी। अरे मन्ना के बेरा था मखाले शहर की से अच्छी पढ़ी लिखी से हाँ। जाया कर दिनू माच माच की खिंडा खिंडा लो टूर, मैं कितने नौकरी लाग जाएगी। मन्ना के बेरा था सारे पाठान लाग जाएगी, और मेरा तो जीभ लहू बढ़ गया जब मेरे बेटे के ऊपर आठाया। तेरा जीभ लहू कौन बढ़ा, जीभ तेरे ऊपर बोल ली ना, जीभ तेरा लहू बढ़ा। बेटा तो तू कहते बेटा मान दी को नहीं। ए बेटा इसी बात क्यों करे से, जब बेटा है ना मानू अरे तो तना वोट बड़ा पाल दियो रे है। बस कोई माचाया करे के अका अपना घर में नाश हो है, या अपना घर में कोई बुरा काम हो, मैं भी तेरा भला ऐसा हूँ थी अकेले समझदार से, अरे हो जाएगी पढ़ लिख की नौकरी लाग की कामयाब। मन के बेरा था या तो घमंड दिखाने लग जाएगी। माँ जब मन चांदी ने तो नू चावर के छोरा लाग जा बढ़िया पढ़ लिख ले, वो तो तन कदे चाही को नहीं, खेत से मड़वा दिए नया मेरा गाज बोल जा रे। बेटा पढ़ाने की घनी तमन्ना थी, बस तेरा बाप मरिया पास से न मैं इसी पागल बना दी थी, तेरे ताऊ चाचा न सारा कुण बन है, और बस मेरे न्यू हो गया कदे इस जमीन न ना ले बैठे ये हरामी न, ये खुद भी ना मिले जी मन तू खेत तम लगाया था बेटा, और जो तेरा बाप जिंदा रहा न तो यह नौबत ना आनी थी। अरे बेटा तेरा जी कर सन तू ही पढ़ ले, ये पढ़ ले ठीक से, मैं खेत में जा सूँ पढ़ा दिए तेना ठीक से। मिलाया मैं अपना बाबू द्वारा फोन, हेलो बाबू राम राम, रोऊं के रोऊं अपना कर्मा ने, तब नहीं तो ब्याही हूँ इस घर में, ये सारे पागल हैं पागल हैं, इन्हें एक ने तो बोलने की तमीज को ना, और सारे घर के मारने चढ़ गए। मैंने इन जनावराम को ना रहना बाबू, मैं बैग लेके ही आई अपना घर ने। ठीक सा बाबू, इबरा लियो तमी सारे जने माता ने गले जेड़ा गाल दे बिना बात। ए बेटी के बेरा था ई बिस घर ने, और इस तरह बेटा ने सर पर धर के नाच लिए, ठीक है मैं तो या चली और ब्याह लिया अपना इस लाल ने दोबारा, पागल और मूर्ख आदमी। मां यो क्यों हो गया, घर का सारा नाश हो गया जमाई। यो हो गया, उसने तो संदीप पर उठा दिया और पाछे मां पर उठा दिया, इन दोनों मां पीट दी। खेती खाती तू अपना पढ़ाई चालू कर ले ठीक से, दो साल में कामयाब होके दिखा सकता है। पर मां जरूरी को नहीं होता कि जिस तरह बिना पढ़ी लिखी छोरी की दिख जाए, छोरा की कदे को दिख, माँ उसने नौकरी की जरूरत हो हमेशा, होना कमाओ कदे पार ना पड़े, हमारी कमाते ने किले का लेन तो ची आग देने दे दे ची ठेकन दे दे हर देवर की पढ़ाई चालू करवा दे। सैनी रुक माँ, किले कितने कौन जा, तेरा नाम से किले ठीक से, किले नाम से ना तो सरकार भी अपना साथ देगी, और किले फिर निकले आऊंगे दाब भी ली तो, और अभी रहे अभी मर थोड़ी गए, तो सांस पर चली जाइए और सांस पर हम चले जाया करेंगे, और संदीप भाई तब पढ़ाई चालू कर अपनी। ठीक से तो बेटा वकील ने तू ही दे दिए। ठीक से माँ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, खड़े हो और चल तैयारी कर, चलेंगे शहर में। भाई हसन जी दादा, भाई मेरी बीए क्लियर होगी और मैं फर्स्ट आया हूँ पूरे कॉलेज में। अच्छा हाँ, खुशी की बात से। अब तेरी भाभी भी कहती नू कहती पूरा गांव वाले आओ से मिठाई मांगा खातर है, दो मिठाई खुआ मिठाई खुआ मिठाई को ना बाण लिखना बंद कर दिया है। अच्छा बैठ का गाद में की भीड़ लग रही है, अब लुगाईया नमा घेर रखी है। अच्छी बात है, तो कोई अंदा अच्छा है आ किसी मीठा मुंह करवा दिया। अच्छे इब तो मेरा ऐसा लगन लग गया, सुनी तक गई है ना घर छोड़ के, ठीक चली गई, ये भी कामयाब हो गई ना, जिंदगी में कदे कदर को नहीं करा खुद की। भाई मैं ये है ना यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँ, तय कह तो भाई मैं एडमिशन ले लूँ। खर्चा ज्यादा होगा, कोई बात ना खर्चा मैं कमा एक किला बेच देंगे, घना खर्चा ला गया तो बाउड़ी बाउड़ी बात करता भी यार, पैसे देखे को लगा अपनी मेहनत लागेंगे पढ़ाई लिखाई का कोचिंग का भाई घना खर्चा तो हूं, कोई बात खर्चा लगा तो जे थम कामयाब होना चाहो तो हम खर्चा लगाने भी तैयार हां। बस तू पढ़ खाली ठीक से, तेरा दिमाग खाली फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर ठीक से। ठीक से भाई। अच्छा इब ठीक से होगी होने, चल के मिठाई ले आओ। अरे मिठाई तो लेके आनी है, पहले देश का दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, तो पहले मिठाई तो खुआ जाओ। तो अभी यार बैठा कर दे, ये एक केस है इसकी तो खुआओ। चल ठीक से चलो आ जाओ। ठीक है भाई।
मैं क्यों सोचूं था यार संदीप। संदीप कि मैं खाई पी भी कर लिया करो, सारी आने पढ़ाई पढ़ाई में माथा मारे जाओ। सुनो भी योग मेरे को सुन दे। भाभी किसी बात करना लाग रहे हो तुम? मेरे 5 दिन रह रहे टेस्ट के, ओके ले रहो पाछे मैंने खाना पीना से। अच्छा। 5 दिन की और पढ़ाई रहेगी। 5 दिन पाछे खाना पीना को नहीं खुआओगे सारा ने खुशी के लाडू? ठीक से भाभी तारा मुँह में घी शक्कर और मैं लाग जाऊँ फिर देखियो मौज थारी। तो कम से कम ये तो खा लिया करो, ना खाई पी करोगे तो मैं याद कौन रहेगा? ना भाभी मेरे सारा याद रहा है और खान पीन ला रहा, मैं टाइम तो रोटी खान ला रहा। अच्छा माँ दूध देके गई थी, दूध भी पी लिया था। चश्मे चढ़ जाएंगे कोई दिन में? भाभी चश्मे जरूर चढ़ जाएंगे, जो मेरा गवार वाला टैग लग रहा था ना वो हट जाएगा, मेरे पे कोई बात को नहीं मारेगा। ना तो जना खाना बात मारा करता, 12वीं पास खेत में काम करे, आज उनका अक्कल लग जाएगी। जब थारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, जित लोग बात या ताने मारन को नहीं आवे बधाई देना आवेंगे, समझे? ठीक से भाभी। अच्छा पढ़ लियो, मन बेरा कोना थारा जी करदा बात करन ने। हेलो, राम राम सुनीता। राम राम बेबी। हाय सुनीता। हाँ? तन बेरा संदीप यूपीएससी के पेपर दे के आया है। यूपीएससी का नहीं भी सीधी आंधी को ना किस पेपर दे के आओ सविता, क्यों मजाक करन लाग रही है मेरे बेबे? तनु ये ना बेरा सारी गली में होने लाग रही है, मैं तेरे गने जाके सुन के आई हूँ ठीक, और जब तने बताऊँ तने तो अपनी किस्मत बाप बाठे मार लिए बेबे। सच्ची बात तो है ना यार? हाँ कति जमा सच्ची ठीक, और सबनों को मैं छोरा जरूर लग गएगा, जरूर पक्का तो पक्का ठीक। सच्ची को भाई किस्मत में तो बाठे मन नहीं मार लिए, और उसकी माँ भी कया करती नु गति में अच्छा, तो दिन रात मोदा पड़ा रहा पढ़ाई पे, कसुत्ती जो कसुत्ता जोर लगाया उसने पढ़ने पे। आज जब तो मैं उसने छोड़ के आ गई, अनपढ़ गवार है कि एक रह गए सारा दिन खेती में पढ़ा रहा है, मन नहीं घमंड था अपनी पढ़ाई पर, उसने छोड़ के आ गई और अड़ा अड़ा मेरा भाई भाभी मन दुखी रखे हैं। हेलो घट गया भी या भी अच्छी खुशखबरी दिवाई हिम्मत करूँ तो के करूँ, हड़े भी दुखी रखे हैं भाई भाभी मन के सुख मिल रहा है, इस तो बढ़िया तो होना मैं माफ़ी मांग ली दोरा जाके, कोई बात ना कर देंगे माफ़, गलती हो जाया करे मैं माफ़ी मांग ली जाके, ये विक्रमा बाठा मारे कि मेरा नौकरी लग गई जा। माँ माँ भाई संदीप माँ कित गई? संदीप माँ बेटा पुलिस में लग गया। नौकरी लग गया तू देख फोन आ लिया तुमने बेरा को नहीं के मैं तो तुमने बताई तो हो नहीं आख्या तो देखा पास तो ले माँ मैंने भाभी भाभी तो बताई थी हो शेर है हरा माने के शेर ले माँ मौज करती संदीप ने भी ले ये बेटा तू भी कर तेरा भाई लाग गया से मीठा मुख ये बात तो ठीक है लेते भी ले चल बेटा लिखते राज ये भगवान मारी सुनिए की सब की सुनिए ये बात तो ठीक है मां खुशी की होई से बस बोलया भी ना जांदा इतनी खुशी हो रही से बेटी चल बैठ के बोल लिए जो संदीप तुम देखो जी खुशी सी हो एकदम मैं चांदना हाव धीम ये मेरी गलती तरह गया लाइव तो बहुत साल पहले लाग जे रही तो कोनी मां या नीता तू इतने साल बाद के लेना ही है हैं मां गलती हो गई मेरे से गलती जब तेरे वर्गी बहु सत्यानाश होने रे घर में हो ना उज्जर खेड़े हो जा घर ना बसे किसी के मुंह ठा के आ गया रे मां मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी मैंने मेरे गलती के एहसास हो गया सुनीता गलती कौन करी तने तने राम वर्ग आदमी को ऊपर हाथ उठा दिया इस घमंड में कि तू सुथरी है पढ़ी लिखी है वेल एजुकेटेड है तने नु ना बेरा था ना तो कदे पढ़ाई पूरी पुरानी होंगी हर ना कदे पढ़निया बुढ़ा होंगे पढ़ाई तो कोई कदे भी कर सका है और पढ़ाई किताबी ज्ञान तो कोनी होंगी
संस्कार तो होया करा। अरे एक बात और से, लाग दिए तना एहसास हो गया है इस बात का भी, साले की बात से तना आज तेरे एहसास नहीं होया। आज तेरे माँ बाप आए कुंत ने छोड़न थम समझा जा ना, अगर ये बेटा तो जानवर से जनावर हम थोड़ी रहेगी तू। हाँ तू तो बढ़िया जगह पर रहेगी। और रही बात जमींदारा करे से यो, इन्हें नान दोन का कौन बेरा, इन्हें पैर नोड़न का कौन बेरा, तन तो सारे पैसे ना होते। माँ कोई बात नहीं, बड़का पर गलती हो जाया करे तो माफी भी तो देनी चाहिए। और बड़े बालक ना होते उस दिन माँ तो के कहती सिर पदर के नाच ली तेरा बेटा ने, आज देख हम नाचन जोगी भी हो रहे हैं, हर मारा छोरा सिर पदर जोगा भी है। जतन ये रखेंगे ना तो मैं कौन रखू, मैंने इसी बहू की जरूरत कौन, जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करे, मेरी भाभी की इज्जत नहीं करे। हाँ फिर कौन सी बहू, इतने साल बाद या बहू बन के आई के, आज तने बेरा पट्टे आगे तन पहला कौन देखी। कर देना माफ। हाँ। आज तेरे माँ बाप ना आए, उस दिन बाज के बुला ली थी, आज छोड़ आवर दावा करार के तू सुधर गी। और कौन माँ है, सासू पा हटा दिया तो माँ भी रहेगी के मैं तो किम्मा कोनी। यो रास्ता पड़ा उल्टी चली जा भाई, जिस तरह गिर गिट कदे रंग बदलना ना भूलन है, उस तरह तू भी कदे अपनी अकड़ ना भूल। पहला तो तेरा योग मंड था कि तू पढ़ी लिखी है, आज तेरा योग मंड होगा कि तेरा धनी पुलिस वाला है। शिकायत का मौका ना दूं माँ, एक बार मौका तो देखी दे। बहुत हो लिया जा सुनीता। माँ इन्हें तू कर दे कि मैं कर दूँ। माँ तेरे ताड़ी ने बावर के देख भी ना लिए इस घर का नहीं जानती रहे कल मुहाली आगी मुंह नठा की। अब मेरा बेटा नौकरी लग गया तैयार आगी, इतना शरण चाहिए हर ना सारा कुण बस शेर पाक रही थी। माँ कोई दिन अक्कल लग जाएगी वो सुन डाल लगने दो। देखो माँ सर तो गलती हो भी उसने जो कर दिया आप ही उसाए करांगे बेटा। उसाना करा है हम के सोचो वह सुधरगी, वह ना सुधरी है। पहले उसका रूप का घमंड था, पढ़ाई का था, अब उसमें रुपया का हो जाएगा। अब आपने सिर में डंक मारेगी इसी बहू की जरूरत कौन नहीं मने, मैं खुद कौन लेने दूं। रही बात है मैं मेरे बेटे ने खोना ना चाहती भाई, मेरे तो दूर ना करना चाहती, इसी निर्वाह के भरोसा से मेरे तो और भी छोड़ देगी मेरे बेटे ने। जाली जुली उस बात बस उसका क्यों जिक्र कर रहे हो, खुशी की बात है उसने बीच में ठाके ले रहे मेरा। ठीक से बैठ तू आ जा बेटा, अपना प्रसाद बनावांगे सवा मणि बाबा की लगावांगे और सारे जने जाके ना प्रसाद चढ़ा के आवांगे। ठीक है, और सत्संग करवाएंगे बढ़िया सा। एक बात बताऊं, चातन पी को नहीं।